नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अकेले में देखें। क्यों दोस्तों, इस वीडियो में आप अपने जीवन काल से जुड़ी उन सच्चाई के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपकी जीवन की सभी प्रकार के चिट्ठे पुर्जे खुलने वाले हैं। आपके जीवन काल में जो घटनाएं अभी घट रही है, जो मुश्किलों का आप सामना कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं, उनका कारण क्या है, आपके जीवन काल में गरीबी क्यों आ रही है, आखिर आपको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, इन सभी की जो है जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। इन सभी की वजह जो है जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आपसे बस निवेदन यही है कि वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि पिछले समय अंतराल में और अभी जो आपके साथ घटनाएं हो रही है, क्यों हो रही है और किसकी वजह से हो रही है, साथ ही आने वाले समय में अब आपके साथ कौन सी घटनाएं होने वाली है, इस वीडियो में वे भी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का और माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अपने जीवन काल में पिछले समय अंतराल में हर मौसम को देखा है, आपने हर मौसम को झेला भी है। यहाँ पर हम आपको मौसम यानी समय की बात कर रहे हैं। दोस्तों मौसम का मतलब समय है। दोस्तों आपको बता दें कि आपने हर तरह के मौसम को देखा है, हर समय में हर प्रकार की परिस्थिति और सिचुएशन को झेला भी है, अपने जीवन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जीवन में बुरा भी ज़रूर देखा है। दोस्तों आपने अपने जीवन में खुशियां जहां देखी है, वहीं अपने जीवन में गम भी आपने देखा है। दोस्तों पिछले समय अंतराल में आपने उम्मीद भी रखी है, आपने अपने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। आपने सोचा है कि आने वाले समय में हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपने पिछले समय अंतराल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले समय में हमें बेहतरीन परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दुख में, दर्द में, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। दोस्तों आप अपने दुखों को किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हैं या फिर कर भी नहीं पाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इच्छाएं होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की अनेक इच्छाएं, अनेक तमन्नाएं रहती है। आपके मन में कुछ ऐसे भी तमन्नाएं होती है कि आप अपने जीवन में जो आपके मनपसंद चीज़ हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकें, आप उन्हें मनपसंद की चीज़ों को, मनपसंद के कार्यों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों आप समय की मार और घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए पीछे हट जाते हैं या फिर कहीं पर आपको समय की ऐसी मार पड़ती है कि आप अपने अरमानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस स्थिति पर है, जिस भी लेवल पर है, जो भी कार्य को आपने अचीव किया है वो आपकी मंजिल नहीं है, आप अपने जीवन में अभी भी संतुष्ट नहीं है, आपके बड़े सपने हैं, आप बड़े ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे हैं। आप बड़े लोगों को देखकर, अपने सपनों को देखकर अपने मन में हमेशा इच्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, और आप जहाँ हैं वहाँ पर आप खुश नहीं हैं। लेकिन दोस्तों यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपसे जितना हो सका, आप जितना प्रयास कर सकते थे आपने पूरा प्रयास किया, पूरे हृदय से, दिल की गहराइयों से आपने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, पूरा जी जान से मेहनत की है। लेकिन दोस्तों अभी भी आपके कुछ महत्वपूर्ण सपने हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए हैं, आज भी अधूरे हैं, और उनको प्राप्त करने की जो ललक है, जो तमन्ना है, वो आपके अंदर अभी भी है। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि आप जिनके लिए महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर उनके सहायता करते हैं, दिलोजान से उनकी
हेल्प करते हैं, आखिर वही आपको धोखा दे देते हैं। और जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो दोस्तों वे पीठ पीछे करके आगे चल देते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटनाएं भी घटी है। यहाँ तक कि कभी कभी आप अपने पूर्व समय को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी आप अकेले में बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि आपके जीवन में जो आप बनना चाहते थे, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे, वहाँ पर अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं। इसके लिए आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या वह कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जिससे आपको सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला कारण है धोखा। दोस्तों आप अपने जीवन में जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी सहायता कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जिनको आप अपनी सारी जानकारियाँ भी देते हैं, वही लोग आपको धोखा भी दे देते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दें कि दोस्तों आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कार्य करते हैं, उसके कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में खराब परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि बीता हुआ समय आपको बहुत कुछ सिखा गया है और आपने जरूर कुछ अच्छा अनुभव भी किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है, अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सा तारीफ करता है और कौन बीच में रहकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और पीठ पीछे कौन बुराइयां करते हैं। अब आपको सभी प्रकार की सीख को लेने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, और आप आगे जानते हैं आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया और बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह समय अवधि में आपकी परेशानियों का अंत होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने पिछले समय जो भी गवाया है वह यश में आपको मिल रहा है। दोस्तों आपका बुरा वक्त अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपकी जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होते हुए इस महीने में आपको नजर आने वाले हैं। दोस्तों आपका अपने व्यक्तित्व और फिर रहन सहन के प्रति अधिक सजग रहना मित्रों और फिर सहयोगियों के बीच आकर्षण का कारण बनेगा। समाज में भी आपकी छवि और अधिक निखरेगी। दोस्तों जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से स्वस्थ रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय धन से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन में सावधानी रखें, साथ ही धोखा हो सकता है दोस्तों, और आप किसी आर्थिक परेशानी में भी इनसे उलझ जाएंगे। भूमि संबंधी जो भी खरीद फरोत करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच करवा लें, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपके विचार ही आपके दुश्मन बने रहेंगे। हर किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक होना आपको अपने ही अंदर नकारात्मकता भी दिखा सकता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों को बदलने का जिद और किसी भी रिलेशनशिप को खराब होने के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना आपको प्रिय व्यक्तियों से दूर कर रहा है। दोस्तों खुद के द्वारा हुई गलतियों की जिम्मेदारी उठाना आपको यश में सीखना होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों भावनाओं की बजाय चतुराई और विवेक से काम आपको लेना चाहिए। परिस्थिति जो है आपके पक्ष में कार्य कर रही है। दोस्तों बच्चों की किलकारी संबंधी कोई शुभ सूचना भी यश में घर में मिल सकता है, जिससे उत्साह भरा माहौल भी रहेगा। साथ ही दोस्तों किसी अटके हुए काम को पूरा करने में भी यश में आप सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपको बता दें कि किसी भी योजना को बनाने से पहले उस पर भली भांति विचार अवश्य कर लें, बेहतर होगा कि दोस्तों घर के सभी सदस्यों की सलाह आप जरूर ले लें। दोस्तों पैसे के मामले में किसी भी पर भी यश में विश्वास ना रखें, खुद पर ही और फिर सभी गतिविधियों को आप अपने तरीके से संभालें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों जितनी परिस्थिति आपके लिए कठिन लग रही है उतनी कठिनाइयाँ आपके जीवन में नहीं है, केवल आपके विचारों द्वारा
आप जो है खुद को तकलीफ दे रही हैं। इसलिए दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेकर फिर अपने लक्ष्य के बारे में सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए सुनोगे। आपको बता दें कि दोस्तों यशमय घर के नवीकरण अथवा रखरखाव संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श हो सकता है। किसी सामाजिक गतिविधियों में भी आपका इसमें महत्वपूर्ण योगदान होने से आपका मान सम्मान भी इसमें बढ़ने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों अगर घर या फिर वाहन संबंधी खरीदारी की योजना बन रही है तो दोस्तों उसके लिए जो समय होंगे समय अनुकूल है। इसके उपरांत दोस्तों इसमें परंतु कभी कभी आपके विचारों में वहम या फिर संकीर्णता जैसी नकारात्मक बातें आपके परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो दोस्तों सबसे खास इस बात पर आप ध्यान रखें, अपने व्यवहार और विचारों में बदलाव लाने के लिए कुछ आत्मचिंतन भी आप यशमय करें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आपको अपनी गलती सुधारने का अवसर भी यशमय प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों अपने द्वारा हुए कामों को जो भी गलत काम थे आपके यशमय उन्हें ठीक करने की आप कोशिश करते रहें। नए काम की शुरुआत करने के लिए ये जो समय है आपके लिए उतना ठीक नहीं होगा। इसलिए दोस्तों पेशे का निवेश करना कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ समय के लिए आपके टाल दें तो आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपको बता दें आपके लिए समय होंगे। दोस्तों अपने परिवार के लिए किसी प्रकार के मुद्दे पर विचार विमर्श आपका हो सकता है तथा बच्चों की भी उत्तम विचारों की वजह से उनकी सराहना होगी। भूमि संबंधी कार्यों में भी अगर निवेश करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं या फिर प्लानिंग कई दिनों से चल रही है तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे उस पर तुरंत अमल करें। परिस्थितियाँ आपके लिए यश में अनुकूल रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों जो है अपने स्वभाव और फिर विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें। कभी कभी आपका संकलानु स्वभाव दूसरों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। युवा वर्ग बेकार की गतिविधियों में समय नष्ट ना करके अपने करियर संबंधी योजनाओं पर ध्यान फोकस करें। ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समझेंगे। आपको बता दें कि आपके द्वारा किए गए कामों के बारे में दूसरों के द्वारा प्रशंसा मिलने की अपेक्षा रखना आपके लिए तकलीफदायक हो रहा है। इसलिए दोस्तों अपना काम करते रहें और बड़ा यश प्राप्त करने की सोच रखकर आगे बढ़ें। दोस्तों आपको आपके अंदर की सच्चाई और काम के प्रति निष्ठा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए सुनोगे। आपको बता दें कि यश में बिजनेस में लेन देन के जो समय होंगे पक्के बिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों यश में किसी भी तरह की इंक्वायरी की आशंका बन रही है। रिटेल की अपेक्षा होलसेल कार्य ज़्यादा सफल रहेंगे। यश में ऑफिस का माहौल जो है बहुत ही शांतिपूर्ण रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यश में कार्य क्षेत्र में कुछ खास फैसले लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। दोस्तों बेहतर होगा कि कुछ भी नया शुरू करने की अपेक्षा अभी वर्तमान पर ही अपना ध्यान को आपको फोकस करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को किसी ऑफिशियल कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय की स्थितियाँ धीरे धीरे बेहतर होंगी। थोड़ी सी परेशानियाँ आएंगी परंतु सावधानी रखने से आपके कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। दोस्तों कार्यस्थल पर स्टाफ की गतिविधियों पर ध्यान देना भी आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बिजनेस में अपने लक्ष्य की क्वालिटी को अधिक बेहतर बनाने में आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर भी आपको मिलने की संभावना बन रही है। यह समय मार्केटिंग और फिर संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने का समय होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये संपर्क सूत्र आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपने व्यस्तम समय में जो है परिवार के लिए कुछ समय निकालना आपसी संबंधों को मधुर रखेगा तथा परिवार में भी खुशहाली भरा वातावरण रहेगा। तो दोस्तों जरूर समय निकालें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ उचित तालमेल बिठाकर रखने के लिए आपको सहयोग आवश्यक है। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके इसमें लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण सुखमय बना रहेगा तथा घर के सभी सदस्य आपस में प्रफुल्लित भी तथा खुश रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी दोनों ही व्यस्तता की वजह से घर पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु घर का माहौल जो है खुशनुमा बना रहेगा।
किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों अत्यधिक काम की वजह से आपका जो स्वभाव है उनमें चिड़चिड़ापन हो सकता है। दोस्तों मेडिटेशन या फिर योगा करना यश में आपकी समस्या का उचित निवारण होगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों एलर्जी व फिर खांसी जुकाम की स्थिति रहेगी, लापरवाही ना बरतें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना यश में आपके लिए आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, खांसी जुकाम व फिर बुखार जैसी परेशानी भी रह सकती है, लापरवाही ना करें तथा उचित इलाज यह समय जरूर लें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत तक ठीक होगा, किसी प्रकार की चिंता ना करें, परंतु दोस्तों लापरवाही भी बरतना इसमें आपके लिए उचित नहीं होंगे और इन सभी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर होंगे।